subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, मां है शेफ फैसल, तां दी सुप्रिया कुकिंग शो। सब खैरियत सां हुंदा, सुठा रोज़ा गुज़रंदा हुंदा, मज़ेदार रेसिपीज तां के ठाहिण सिखारंदा आहियूं। करशी जामी शीरी असां सां गॾु आहे। करशी जामी शीरी जी काफ़ी वसी रेंज आहे, बल्कि हिन में शुगर फ्री भी मिले पियो। मार्केट में शुगर फ्री भी मिले पियो, उहो बि तव्हां वठी सघो था। गुलाब जी खुशबू में आहे, कुदरत जी ज़रा सां तयारु कयल आहे, बहितरीन। ऐं इलायची जे फ्लेवर में आहे, ग्रीन कलर में, साई कलर में, इलायची जे फ्लेवर में। हिनखे तव्हां खीर सां गॾु बि विझी पी सघो था, हिनखे तव्हां शेक में विझी पी सघो था, हिनखे तव्हां लस्सी में विझी पी सघो था, फ्रूट चाट्स में यूज़ करे सघो था, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी ड्रिंक्स ठाहे सघो था। ऐं मिठा बि ठहंदा, उहो बि इनशाला थोरा विच में ठाहिणु शुरू कंदासीं। हुन में असां जामी शीरी यूज़ कंदासीं। ऐं स्प्रिंगले जो पाणी आहे असां वटि, मिनरल वाटर, इहो बि अवेलेबल आहे मार्केट में, वठी सघो था तव्हां ईज़िली। हिन में उहो बि पाणी बॉयल पीअणु खपे या मिनरल वाटर यूज़ कंदा कयो, कचे पाणी खां वाइट कंदा कयो। एनएक्स असां सां गॾु, एनएक्स में जूसर, ब्लैंडर, चॉपर, हर शइ तव्हांजे साम्हूं यूज़ कंदा आहियूं। अॼोकी रेसिपी तमामु मज़ेदार आहे, जेको मां पूरी हिकिड़ी मेन्यू विधल आहे फेसबुक ते पंहिंजे पेज ते, हुन हिसाब सां हलूं पिया। अॼु फ्रूट चाट्स ठाहिण सेखारूं पिया। हिकु ठाहींदासीं नॉर्मल फ्रूट चाट जेको ठहंदो आहे चटपटो, हिकु क्रीमी फ्रूट चाट ठहंदो आहे, हिकु केलनि जो बनाना फ्रूट चाट ठहंदो आहे। टई फ्रूट चाट तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो। इनशाला सुभाणे पोइ छोलनि जी वैराइटी आहे, पोइ स्टार्ट कंदासीं वरी समोसनि जी वैराइटी आहे, ताकी मां चाहियां पियो हर शइ जी तव्हांखे डिटेल में सभु शयूं सेखारियां, ताकी तव्हां इंजॉय करे सघो, ईज़िली तव्हां ठाहे सघो। सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदो, स्क्रीन ते नंबर हले पियो। का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, पुछी सघो था। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, बेहतरीन रेसिपी है फ्रूट चाट। रमज़ान में फ्रूट चाट बनती है घरों में, तो फ्रूट चाट एक क्रीमी बना रहा हूँ, एक फ्रूट चाट नॉर्मल बना रहा हूँ, एक बनाना चाट बना रहा हूँ। तीनों रेसिपीज कल 12 बजे रिपीट चलेंगी। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ पूछना, पूछ सकते हैं। करशी का जामी शीरी, करशी हमारे साथ है। इसमें गुलाब का फ्लेवर है, कुदरती अज़ा से तैयार किया हुआ है, इलायची फ्लेवर में भी, और शुगर फ्री भी अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकती हैं। स्प्रिंगले का मिनरल वाटर आप यूज़ करें, बेहतरीन पानी है। किचन में चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोई भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना। और रेसिपीज जो मैं बना रहा हूँ, पूरा वीकली मेन्यू मैंने बना के अपने पेज पे डाला हुआ है। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे, उसको लाइक करें, वहाँ पे सारी रेसिपीज़ अपलोड है। तो मैंने वहाँ पे एक मेन्यू बनाया हुआ वीकली 7 डेज़ का, उसी मेन्यू के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आज की भी फर्स्ट डे मैंने बनाया था दही बड़े, होममेड दही बड़े बनाए थे। सेकेंड रमज़ान को हमने बनाया था पकौड़ा प्लेटर। आज हम बना रहे फ्रूट चाट की वैरायटी, कल छोले बनाएंगे। छोले जो मार्केट में मिलते हैं, दही बड़े, चाट, उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें डली होती, पूरा मेन्यू होता है, वो बनाऊंगा। और उसके साथ एक भुने हुए चनों की भी छोलों की रेसिपी बनाएंगे, दो रेसिपी हो जाएंगी। फिर परसों हम समोसे बनाएंगे और समोसा चाट भी बनाएंगे, ठीक है। हिन हिसाब सां हलूं पिया, ताकि हर शइ तव्हांखे सेखारियूं। फ्रूट चाट जी सॼी कटिंग थियल आहे, ऐं डिटेल में तव्हांखे ॿुधाई थो छॾां छा छा आहे हिन में। जेको तव्हांखे फ्रूट पसंदि हुजे, जेको फ्रूट तव्हांखे अवेलेबल आहे, ज़रूरी न आहे कि 10-12 किस्म जा फ्रूट हुजनि, 3 शयूं बि आहिनि तव्हां वटि, तव्हांजो बि फ्रूट चाट ठाहे सघो था, ठीकु आहे। हिकु शइ जो बि फ्रूट चाट ठही वेंदो, ज़रूरी न आहे कि इलाही महांगो तव्हां ठाहियो, ठीकु आहे। ज़रूरी नहीं कि आप मार्केट से बहुत ज़्यादा फ्रूट्स ले लें, नहीं अफोर्ड कर सकते। ज़रूरी नहीं कि हम 10-12 किस्म की चीज़ें डाल के फ्रूट चाट बनाएं, दो चीज़ों से भी बन जाता है। एक चीज़ की भी फ्रूट चाट बनते हैं, 3 चीज़ों से भी बना सकते हैं, ठीक है। बस वो फ्रूट को मिक्स करना होता है, ये होता है फ्रूट चाट। यहाँ पे खरबूज़ा है, एक खरबूज़ा लिया हुआ छोटा, ठीक है। इससे मैं 2 फ्रूट चाट बनाऊँगा, एक क्रीमी बनाऊँगा। आप अपने हिसाब से ले लें, एक एक कप ले लें, 2-2 कप ले लें, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उस हिसाब से। खरबूज़ा जाएगा, पपीता जाएगा, चीकू है, अमरूद है, खजूर है यहाँ पे, और उसके अलावा फालसे हैं। स्ट्रॉबेरी मिल जाए तो स्ट्रॉबेरी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बॉयल छोले जाएंगे, ये 1 कप जितने बॉयल छोले, एक प्याली है, ठीक है, बॉयल छोले जाएंगे। और इसके अलावा इसमें सेब जाएंगे, सेब मैंने अभी काटे नहीं हैं, केले काटे नहीं, क्योंकि वो कलर उसका चेंज हो जाता है, ठीक है, रखने से, तो इसलिए वो फ्रेश हम काटेंगे। छाछा विंदो फ्रूट चाट में असां चीकू यूज़ कयूं पिया, खरबूजो यूज़ कयूं पिया, पपीतो यूज़ कयूं पिया, ऐं जैतून जेके हूंदा आहिनि, अमरूद जंहिंखे जैतून बि चइबो आहे, ये यूज़ कयूं पिया। फारवा आहिनि, फालसा, हुनजे लाइ खजूर आहे, ठीक आहे। सेब वेंदो, ऐं हुनजे अलावा केला वेंदा, छोला बॉयल थोरा हूंदा, घर में हूंदा आहिनि, बॉयल करे रखंदा आहियूं त बॉयल चणा बि हिन में वेंदा, ठीकु आहे। ऐं हुनजे अलावा क्रीम वारो अलॻि ठाहींदासीं, बाक़ी हिन में कहिड़ा कहिड़ा मसाला, कहिड़ी कहिड़ी शयूं वेंदियूं, उहो तव्हांखे ॿुधायां थो डिटेल में। सबसे पहले हम सेब की कटिंग कर लेते हैं। सेब में छिलके के साथ ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, फाइबर होता है, बहुत से लोग छील के खाते हैं, लेकिन कोशिश क्या करें, सेब को छील के ना खाया करें, वैसे ही खाया करें। फाइबर होता है ये, बहुत डाइजेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, स्टमक के लिए भी, ठीक है। फाइबर
वाली चीज़ें इसी तरह खानी चाहिए, इसको छीलना नहीं चाहिए, ठीक है। सूफ़ में फाइबर होंगे, ये ताजे मैदे ला तमाम बेहतरीन शे है। फाइबर वाली शयूँ फ्रूट्स जो हूँ उनके छिलंदा ना, क्यों काफ़ी मानू छिलंदा है, लेकिन कोशिश कहना क्यों डॉक्टर्स भी चाहता है कि सूफ़ के छिले ना खाने खपे, ठीक है। सूफ़ में पैर अस हो नॉर्मल फ्रूट चाट ठाया पे तो इनमें एक सूफ़ यूज़ किया, ठीक है। एक सेब ले लिया है बड़ा, नॉर्मल फ्रूट चाट बना रहे, और एक सेब हम डालेंगे क्रीमी फ्रूट चाट में, ठीक है। सेंटर का पीस निकाल दिया, तो सेब आपने एक ले लिया, अब इसको बॉल में डालेंगे। और अगर सिर्फ सेब नहीं है तो दो चीज़ों से आप बना सकते हैं। पहले कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक है आदा? अल्लाह जो शुक्र आहे, अनम छा हलन ता जा आदा, ठीक है आदा, तां जबे सही है बिल्कुल, अल्लाह जो शुक्र आ। जो खराब लगे पई छा, खराब लगे पई छा मुझे तबीयत ना ना आदा, तां हो पिटर रोजो है आदा, जो एटर मतलब बीमारी भले सही ने मुंदे तां मतलब अच्छो तां खबर छा। अल्लाह जो शुक्र आ के रोजो मुखे कदे लगंदो ना है, अई रोजे में कम करण जो पांचो मजो। अगर अस सुमी रोजो गुजारियो ना या टीवी डीसी या मोबाइल ते भी रोजो गुजर, वो टाइम ना गुजरंदो। अगर तहां रोजे में इबादत भी कयो, पंजा रूटीन जा कम कंदा रहो, तो तांजो टाइम इलाही सुठो गुजरंदो आ। जी हां, ता या अगर मैं तां के डीसी अस पांच रेस पींदा हूं, और नहीं करे जो दस की बीमारी है की पोग ता पने घर मतलब बस हे आए अल्लाह जे हिफ्ज़ो अमान में आई हूं। हां बस केयर कंदा हूं इलाही हद का ज्यादा केयर, जे चवंदा हैं उन हिसाब से हद का ज्यादा केयर करनी पई थी, बाकी अल्लाह आए वडो आए अल्लाह जे आसरे हूं। बिल्कुल बिल्कुल ਹਾਲਾ ਐਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਇਸ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣ ਨਾ ਸਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਜ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਕਰੇ ਰੈਸਪੀ, ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਪੂਰੀ ਪਰਾਠਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਪਰਾਠਾ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਿੱਖਾ ਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਈ ਬਰਾਦਾ ਮੁਝੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਰ ਸਮੋਸਾ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਉਹ ਟੈਨ ਕਰਨਾ ਰੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕ ਮੇ ਆਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਨ ਸੁਭਾਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਚਣਨ ਜੀ ਚਾਟਸ ਖਾਈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਮਝੋ ਪਰੀ ਸਮੋਸਾ ਠਾਈਂਦਾ ਸੀ ਆਲੂ ਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਾਂ ਵੱਠੀ ਖਾਈਂਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਈ ਸਮੋਸਾ ਜੀ ਚਾਟ ਠਾਈਂਦਾ ਸੀ, ਪੋ ਕਮਿੰਗ ਵੀਕ ਮੇ ਆਹਨ ਚੀਜ਼ ਵਾਰਾ ਸਮੋਸਾ, ਚਿਕਨ ਚੀਜ਼ ਸਮੋਸਾ ਐਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਲਸ, ਇਹ ਸਭ ਮੱਥੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। हलो ठीक है, पंजो खोड़ सारो ख्याल रखो, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ये देखें केलों को कटिंग इसलिए पहले नहीं करके रखी। हाँ, अगर आपने केले पहले से कटिंग करके रखना, इसका एक और भी तरीके का है कि लेमन जूस थोड़ा सा लगा लिया करें, ठीक है। थोड़ा सा लेमन जूस लगा के रखेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून 6 केलों में, तो उससे वो काले नहीं पड़ते, आप फ्रिज में रख दें, ठीक है। केला अगर कटे पहले रखना है तो उनके लीमे जो रस, 6 केला हैं तो 1 चाय जो चमचो लीमे जो रस लगाई उनके तहाँ फ्रिज में रखी छो, तो उनका छा थींदो आहे केला कारा न थींदा आहिनि, लेकिन कोशिश कंदा कयो केला जेके आहिनि वो फ्रेश कटिंग कयो। इसमें 4 केले चले गए, ठीक है, 1 अदद सेब चला गया, 4 केला, 1 अदद सूफ़, ठीक है। मां वरी बुधाया कि अगर सूफ मांगो आए तो पो सिर्फ केला पपीतो खरबूजो ये शयूं और खजूर मिलाए भी ता फ्रूट चाट ठाई सको ता, ठीक है। कॉल वठू ता, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ता फैसल गाइस रुगना की सुगना दा फैसल वाले जी, फैसल गलाए पियो। हेलो, ये ता सके ए बाकी चैनल काती छाशी ना जी, मां बुधाई करेले सब्जी, करेले जी सब्जी अदी, हाँ तो रमजान में तो मुश्किल है करेलन की सब्जी, मां करेलन की चिकन करेला दही वारा करेला ठाया हुआ, तो वो ता मुझे पेज ते रिसी वठो, फेसबुक ते मुझे पेज है कुकिंग विद शेफ एसल ते 5-6 रेसिपीज इन करेलन जो, ठीक है। तंजी आवाज इलाही कटजे पई, ता कंट्रोल रूम में बुधाई छडो, मुखे ताजी आवाज ना समझ ना पचे, ठीक है, होल्ड ते रहजो, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहां पे हमने लेना है पपीता 1 कप जितना, ठीक है, 1 कप जितना पपीतो खयों, 4 केला खयां, 1 सूफ खयों, 1 कप असा खड़ंदासी चीकू, यानी 2 अदद चीकू, 2 अदद चीकू ले लें, थोड़ा पपीता ले लें 1 से 2 कप जितना, ठीक है, उसी क्वांटिटी में। और आपने 4 केले ले लेने हैं, 1 सेब ले लिया, ठीक है, 1 सेब, 4 केला, 1 कप जितना पपीतो, बाकी कटे फ्रिज में रखी छो, काफ़ी ॾींहुं हली वेंदो फ्रूट चाट जो, फ्रूट ख़राब न थो थिए, फ्रूट कटे न रखो, साबित रखो, बसि थोरो थोरो पीस कटे यूज़ कंदा कयो, ठीकु आहे। हाणे हिनमें विझंदासीं खरबूज़ो, खरबूजा भी इसमें हाँ इतना ही डालेंगे, 1 कप खरबूजा है या 2 कप कर लें जितना आपको अच्छा लगे। खरबूजा चला गया, पपीता चला गया, चीकू चला गया, सेब चला गया, 4 अदद केले चले गए। अब इसमें हम डालेंगे फालसे, फालसे खट्टे होते हैं, अगर नहीं पसंद तो खट्टे मीठे से होते हैं, डाल रहा हूँ, अच्छे लगें तो आप डालें, नहीं पसंद तो ना डालें, ठीक है। फालसे भी इसमें 1/2 कप जितने चले गए। खजूर कटिंग की हुई है, खजूर के बीज निकाल के बीच से 2 कर दें,
खजूर के बीज निकाल के वॉश करके बीच से दो कर दें, इसमें 8 अदद खजूरें डाल दें, ठीक है। 8 खजूर विच में बकरी करी छड़ियों कटिंग करें, ठीक है। हे हली वन में छाछा वो वरी बुधाई तो चना पो इनके मिक्स कंदा सी। अई हां चना इनमें विंदा बॉयल चना अध कप, आधा कप बॉयल चने जाएंगे प्लेन, ठीक है। आधा कप बॉयल चने डाल दिए। दोबारा रिपीट कराता जाऊंगा, जो जो चीज़ आपसे मिस हो रही हो, समझ ना रही हो, तो आप लोग। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी कितनी जाएगी? 1 खाने का चम्मच, ठीक है। 1 खाने जो चम्मच खंड, हे फ्रूट चाट में खंड जरूर विंदी है। 1 खाने का चम्मच चीनी। ऑरेंज का सीज़न है लेकिन थोड़ा अब मज़े की नहीं आ रही है, ठीक है। नारंगियाँ ऑरेंज या कीनू तो नहीं आ रहा, ऑरेंज जो वो क्या कहते हैं आ रहे हैं, तो आप वो ले लें, ठीक है। मौसम्बी का जूस डाल दें, अगर वो नहीं है तो पाउडर में जो साशे मिलता है, नाम नहीं लूँगा, वो पाउडर आप ले लें। 1 चाय का चम्मच, 1 खाने के चम्मच पानी में मिला दें, ठीक है। कीनू हाने सीज़न ख़त्म थे, कीनू आए तो कीनू जो रस विझी छो बखाने जो चमचा, अगर कीनू ना है, अगर कीनू सुठो आए तो उनका कतला भी करे विझी सको था, 2 कीनू जहाँ, ठीक है। आई अगर वो ना है तो मौसम्बी मिली वेंदी है, मौसम्बी जो जूस विझी छो इनमें 2-3 खाने जो चमचा, अगर वो भी ना है तो साशे में पाउडर मिलो ऑरेंज जैसे असं पानी में मिलाए पींदा आयूँ शरबत ठाई, ठीक है। यो आ 1 खाने जो चमचे में 1 खाने जो चमचो पानी विझी घाटो यो विझंदी इनमें 2 खाने जो चमचा, ठीक है। 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून जितना ये मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। समझ गए होंगे, पाउडर मिलता है ऑरेंज वाला, मैंगो पाउडर भी मिलता है, हर फ्लेवर में मिलते हैं, साशे भी आ रहे हैं, बॉक्स में भी आ रहे हैं, वो हमने लेना है। अगर 1 खाने का चम्मच पाउडर है तो 1 खाने का से 2 खाने के चम्मच पानी में डाला था मैंने, यहाँ पे 1 खाने का चम्मच पाउडर 2 खाने के चम्मच पानी में मिला के 3 खाने के चम्मच बन गया, ये डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। नमक इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चाट मसाले में नमक होता है। चाट मसाला इसमें डालेंगे 1/2 टी स्पून, ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, लेकिन मैं 1/2 टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहा हूँ। 1/2 चाय जो चमचे में चाट मसाला वे तो आई इनके आने कदा से मिक्स कॉल वटूँ था। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? कुछ कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, मैं फर्स्ट टाइम आपसे कॉल की है। बहुत बहुत शुक्रिया, और फर्स्ट टाइम कॉल की वेलकम करता हूँ। कोई फरमाइश करनी है, कुछ पूछना है आपने? मुझे पकौड़े सीखने हैं। पकौड़े? जी हाँ। पकोड़े मैंने कल बनाए थे, पूरा प्लेटर बनाया था पकोड़े की, बहुत सारी वैरायटी बनाई थी, आपने शायद मिस कर दिया होगा प्रोग्राम। हाँ मिस हो गया था। ठीक है, अब कमिंग वीक में पकोड़ों की 2-3 और वैरायटी बनाऊंगा तो आप देखिएगा, ठीक है। पर 1-2 दिन में चिकन पकोड़े बनेंगे। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पुदीने के चंद पत्ते वॉश करके डालेंगे, हाजमे के लिए बेहतरीन होता है पुदीना, ठीक है। हाजमेला बेहतरीन होंद है फूदनो, यो वॉश करे 5-6 पत्ता ही अंदर विझंदी, छाकाणा रोज़ो रखा सजो डी हेवी शूँ खाईंदा तो हाजमेला फूदनो जबरदस्त है, थोड़ा सा अंदर विझी छो, ठीक है। पुदीने के चंद पत्ते डालें, बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 पत्ते पुदीने के डालें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये हमारा नॉर्मल फ्रूट चाट तैयार हो गया। स्ट्रॉबेरी मिल जाए तो स्ट्रॉबेरी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, पाइन एपल्स हों तो पाइन एपल डाल दें, फ्रूट कॉकटेल का टिन रखा हुआ है तो वो डाल दें, वेरिएशन आप अपनी तरफ से भी जो भी करना चाहें। अगर ज़्यादा फ्रूट नहीं है तो 2 फ्रूट का भी बना लें, इसी तरीके से 3 फ्रूट का बना लें, 1 फ्रूट का भी बनता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप परेशान हो कि इतना सारा महंगा कौन बनाए, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें बना सकते हैं, ठीक है जी। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। के जी माँ फ्रूट चाट ठाया पियो? फ्रूट चाट ठाया था, एक टीवी में आवाज़ ही ना है, केबिल वारे सां ॻाल्हाइजो, पंहिंजे एरिया जे केबिल वारे सां ॻाल्हाइजो, कोई इशू हूंदो केबिल वारे सां ॻाल्हायो त मसलो हल थी वेंदो, ठीक आहे। फ्रूट चाट, हिकु क्रीम फ्रूट चाट ठाहियां पियो, हिकु नॉर्मल फ्रूट चाट ठाहियां पियो, ऐं हिकु केलनि जो फ्रूट चाट ठाहियां पियो। सुबुह जो रिपीट में ॾिसजो 12 वॻे, ठीक आहे। तव्हां हाणे ई केबिल वारे सां ॻाल्हायो, फ़ोन करायो त मसलो हल थी वेंदो, ठीकु आहे। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया, नॉर्मल फ्रूट चाट जो हमने बनाया था इसको हम निकाल लेते हैं लीटर में। हे तकरीबन 6-8 माण्हुनि लाइ काफ़ी आहे, ठीक आहे। ऐं अगरि घटि फैमिली मेंबर्स 2-3 माण्हू आहिनि त पोइ तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि ठाहिजो, हीअ 6-8 माण्हू आराम सां खाई सघंदा, ठीक है। 6-8 अफराद के लिए है ये फ्रूट चाट, आराम से खा सकते हैं। और अगर कम मेंबर्स हैं, ज़्यादा बना के नहीं रखा करें, फ्रिज में रखने से पानी छोड़ देता है फ्रूट,
दूसरे दिन तक वो अजीब सा सॉगी हो जाता है। हमेशा फ्रूट चाट फ्रेश बनाएं, 2-3 बजे बना के फ्रिज में रख दें, 3-4 घंटे में ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ थोड़े से पुदीने के पत्ते, मिंट लीफ लगा लेते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ये हमारा फ्रूट चाट तैयार हो गया। ठीक है, ये पुदीने का पत्ता ही लगाई चले, खूबसूरती कुछ भी कर सको था, बट उतर शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक खा पहुँची क्रीमी फ्रूट चाट ठंडा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते मैंने कहा पहले तां सामू जो को फ्रूट चाट ठायो हो मदर टेबल ते रखी छड़ियो आ जामी शीरिया सा गड आ बेहतरीन मशरूब आ है 100% खालिज आ है गुलाब जे फ्लेवर में भी आ है गाढ़ो आई साई फ्लेवर में इलायची जे फ्लेवर में आ जो ड्रिंक भी ठाइंदा से इनके तां खीर में भी ठाई सको ता इनके तां लस्सी में भी विझी पी सको ता इनके तां फ्रूट चाट्स में भी यूज कर सको ता डिफरेंट किस्म जा इनके मिठा भी ठंडा ने आइसक्रीम्स में भी यूज कर सको ता इंशाल्लाह कंटिन्यू रखंदा से आई इनके अलावा स्प्रिंगले जो पानी आ सा गड मिनरल वाटर यो भी यूज कंदा से अज उनके अलावा एनएक्स एनएक्स की शूं तीन सामू यूज़ कर हाँ असा क्रीमी फ्रूट चाट। ठीक है, क्रीमी फ्रूट चाट के लिए भी केले की कटिंग कर लेते हैं। इसमें भी हमने 4 केले डालने हैं। ठीक है, पहले क्रीमी फ्रूट चाट डिफरेंट किस्म की बनती है। क्रीमी फ्रूट चाट जो ओरिजिनल हम मार्केट में खाते हैं तो उसकी जो क्रीम होती है उसमें बनाना डलता है। ठीक है, केलों का शेक जैसे हम बनाते हैं वो डलता है, उसी से वो क्रीमी सा टेक्सचर आता है। वो बहुत ज़्यादा फ्रेश क्रीम नहीं डाली जाती वरना वो इतनी थिक हो जाती है कि खाई नहीं जाती। ठीक है, यहाँ पे हम क्रीमी फ्रूट चाट के लिए 3 अदद केले लेंगे। इसको हम डालेंगे जूसर मशीन में। मार्केट में जो क्रीमी फ्रूट चाट खाइंदा हो उनमें केला मैश करे जूसर मशीन में वो विझबाइन, बिल्कुल फ्रेश क्रीम विझंदो तो एडी घाटी थी वेंदी तो वो तक खाने में दुखियाई थी या मज़े की नती लगे इलाई घाटी थी। तो जूसर मशीन खड़ी एनएक्स की इनमें विझंदी 3 अदद केला। ठीक है, 3 अदद केले बनाना और इसके साथ हम डाल देंगे 1/2 कप दूध, 1/2 कप खीर थदो, 3 अदद केला। ठीक है, ये है खीर 1/2 कप इनमें अस खंड केतरी विझंदी, खंड पीठल भी पई है मोट आई हो भी पई है, मैं पीठल खंड विझा पो इनमें विझंदी 4 खाने जा चम्मच, इलाही वधिक मिठो भी ना थी वने, जेका खंड मौजूद हुए पीठल हुए या नॉर्मल वाली हुए। ठीक है, 4 खाने जा चम्मच खंड, 4 टेबल स्पून भर के चीनी डालेंगे, पीस के डाल दें या साबुत डाल दें। ठीक है, ये हो गई और इसमें मैंने 1/2 कप दूध डाला है, 3 अदद केले डालें। पहले इसको हम ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ही क्रीमी फ्रूट चाट की तैयारी थे पी, 3 अदद केला, 4 खाने जा चम्मच खंड, 1/2 कप खीर। ठीक है, 1/2 गिलास ना 1/2 कप खीर विझंदो, खीर विझी इनके हलाई छो, ही क्रीम ठही वही है। ठीक है, इनमें अस फ्रेश क्रीम बाद में एड कंदासी, हाने इनके साइड में रखूँ था 3 अदद केले क्रीमी फ्रूट चाट बन रहा है। 3 अदद केले, 4 खाने के चम्मच चीनी, 1/2 कप दूध ठंडा डाल के इसको ब्लेंड करके रख दें। अब हम क्या करेंगे, सेब की कटिंग करते हैं। अगेन एक बड़ा सेब ले लेते हैं, फिर कहूँगा छिलके के साथ ही डाल रहा हूँ, आप अगर नहीं पसंद तो छिलका हटा दें, फाइबर की वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ छिलका। इसकी हमने नॉर्मल कटिंग कर लेनी वॉश करके अच्छी तरह, और फ्रूट चाट की कटिंग नॉर्मल रखा करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत छोटी कटिंग कर देते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कर देते हैं, वो फिर मज़े का नहीं लगता फ्रूट चाट। ठीक है, थोड़े बड़े साइज़ में रखा करें, जो ओरिजिनल उसकी कटिंग होती है फ्रूट चाट की, बिल्कुल नंदी बारीक ना कंदा, क्योंकि काफ़ी मानू एडी बारीक कटिंग कंदा इनके लगन दो ना है फ्रूट चाट, ये लगन दो फ्रूट्स जो हलवो ठहल है। ठीक है, तो इन तरीके से थोड़ा वड़ा पीसेस हो खाने में भी मज़ो अच्छे लगे कि फ्रूट भी खाओ पे, ये ना हो कि फ्रूट जो सजो मिक्सचर खाओ पे। यहाँ पे हमने सेब की कटिंग कर ली जी। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी यदि अल्लाह जी शुक्र बिल्कुल जी जी यदि जी अदा तवा पंजो नंबर दे सको था को कुछ पूछनो हो या प्लीज वरी बताइए जो छापे चाहो
जो पेज है ना वो भी मुझे समझो नंबर ही है एनी टाइम मैं यूज क्या व्हाट्सअप वांगर तो उतने मुझे मैसेज करो हो कुछ भी पूछो हो मुखा पूछी वा मुझे चौबीस कलाक मोट ही होंगे मोबाइल तो मोबाइल में आए मुझे पेज तो मैं उत ही छो समझो वो भी मुझे नंबर ही है पर्सनल ना कुकिंग विद शेफ एसएल है मुझे पेज कुकिंग विद शेफ एसएल है फेसबुक से उनके लाइक कर जडे भी कुछ पूछो हो मैसेज करो हो फॉरन तक रिप्लाई कर वम मोबाइल से मैं आए मोट ऐप ठीक है अदी अलाउ न होंगे असा नंबर दियण मथा चैनल की तरफा अलाउ न तो हो नंबर दियण ठीक है अदी थैंक यू अल्लाह हाफिज चैनल की तरफा अलाउ न तो हो होस्ट जितना भी हूँ असा न्यूज़ कास्टर वगैरह के अलाउ न हों के पर्सनल नंबर दियण तो इन कर सॉरी अस न दे सकता हूँ तो इतने सेब खाऊँ एक अदद सूफ़ वरी टे का चार अदद केला ठीक है तीन से चार अदद केले अब बना रहे क्रीमी फ्रूट चाट तीन से चार अदद केले और उसके साथ हमने एक अदद सेब डाल दिया बड़ा छोटे हैं तो दो सेब डाल दें ठीक है अगेन इसमें फ्रूट्स जाएंगे क्या क्या जाएगा खजूर है आधा कप अध कप खजूर है फारवा अध कप चीकू ब अदद हैं दो अदद चीकू बड़े हैं ठीक है आधा कप फालसा है अगर फालसा नहीं पसंद तो ना डालें अमरूद एक है खरबूजा है एक डेढ़ से दो कप और इसी तरह पपीता है हसबे जरूर जो आपको जितना पसंद हो फ्रूट आप डालें ठीक है मैं इतने पपीतो विधो है केतरो ब कप जितो पपीतो है आई ब कप जितो इनमें खरबूजो है डेढ़ का ब कप एक अदद अमरूद है जिनके जैतून चाहबो है उनके अलावा चीकू ब विधा नंढा है टे विझी छो केला टे का चार अदद ठीक है सूफ़ एक अदद विधो है खजूर उनकी कत्ल जो हूँ उनकी वो हटाई छो अंदर गुठली हटाए ब पीस टे टे पीस कर विझो ठीक है ये फ्रूट डाल दिया सारा इसमें भी हम छोले डालेंगे बॉयल हाफ कप छोला विंदा अच्छा ये ऑप्शनल है वैसे ओरिजिनल रेसिपीज़ में डालते हैं तो इसलिए छोले डाल रहा हूँ नहीं पसंद तो ना डालें बॉयल छोले से अच्छा फ्लेवर आता है ठीक है ये डालने के बाद चीनी हम ऑलरेडी उसमें डाल चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम हाफ कप है फ्रेश क्रीम मेरे पास तो ये पूरी इसमें जाएगी ठीक है फ्रेश क्रीम हाफ कप सो जीन के अंदर विझी छंदा से ठीक है ये डाल दिया अब ये जो मिक्सचर बना के रखा था ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ठीक है जो मिक्सचर ठाओ टे अदद हुआ केला अध कप हो खीर और चार खाने का चमचा खंड विझी इनके ब्लेंड कर छोड़ा ठीक है तीन अदद केले और हाफ कप दूध ठंडा और उसके अलावा इसमें क्या डाला था चार खाने के चम्मच चीनी इसको ब्लेंड कर दिया था और इन सब चीज़ों को अब मिक्स करेंगे ठीक है ये होगा हमारा क्रीमी फ्रूट चाट अच्छी तरह इसको आपने मिक्स करना है बहुत ही मज़े का बनेगा बनाना से इसमें और अच्छा फ्लेवर आ जाता है बहुत ज़्यादा फ्रेश क्रीम डालेंगी तो वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो ओरिजिनल रेसिपीज़ होती हैं वो इसी तरह बनती हैं ठीक है इसको भी मिक्स करेंगे इसमें रेड बीन्स भी डाल सकते हैं लाल लोबिया बॉयल करके इसमें वो डाल सकती हैं आपको अगर पसंद हो पाइनएप्पल्स डाल दें फ्रूट कॉकटेल है वो डाल दें जो आपको अच्छा लगे फ्रूट आप यूज़ करें ठीक है चेरीज़ हैं वो डाल दें स्ट्रॉबेरीज़ मिल जाएँ वो डाल दें चंगी तरह इनके मिक्स कंदासी फ्रूट चाट के क्रीमी फ्रूट चाट आई अगर तुम्हें पाइनएप्पल आए तो वो भी विझी सको था हाफ कप जितो ठीक है इनके अंदर चेरीज हैं वो विझी सको तो जो शे सुठी लगे हाँ किशमिश है अस ये मथा का विझंदी इनके इतने बदाम है तो बदाम की कटिंग है तो गार्निशिंग में इनमें बदाम विधी मथा का ठीक है इसको क्लियर करते हैं बादाम थोड़ी सी चॉप करके डालेंगे इसके ऊपर टॉपिंग पे ये भी ऑप्शनल है अगर पसंद है तो आप बादाम इसमें ऐड करें किशमिश है किशमिश को थोड़ा पानी में भिगो के रखते हैं तीन चार मिनट उसके बाद इसमें ऐड करेंगे किशमिश की डंडियां तोड़ दें स्टिक्स हटा दें क्योंकि अंगूर अभी मिल नहीं रहे अंगूर होता है तो फिर एक कप अंगूर ज़रूर डलता है हमेशा अंगूर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ठीक है बादाम चॉप करके इसके अंदर डालेंगे ठीक है पिस्तो बादाम जेको तक ड्राई फ्रूट पसंद है अखरोट विझी सको इलाई बॉयल आलू भी विझी सको ठीक है बॉयल आलू भी डाल सकते हैं इसके अंदर क्यूब्स करके फ्रूट चाट में आप बादाम पिस्ता काजू जो अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं पसंद हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स ये ऊपर से टॉपिंग में जाएगा अब इसको भी हम एक बॉल में निकालते हैं सर्विंग बॉल में ठीक है पूरा फ्रूट चाट सर्विंग बॉल में निकालते हैं
क्रीमी फ्रूट चाट, केले जो जो मिक्सचर है उन खाने में खुशबू भी ढी सुी फ्लेवर भी ढो सुो ठीक है। ये असो क्रीमी फ्रूट चाट तैयार थी वो। अब इसकी टॉपिंग पे किशमिश को 2-3 मिनट भिगो दें, उसके बाद नचोड़ के ये निकाल दें हाफ कप जितना। डंडियाँ इसकी बिल्कुल हटा दीजिएगा और ये किशमिश ऊपर से टॉपिंग पे डाल दें ठीक है। मत्था का किशमिश टॉपिंग में भी चंदा से बादाम चॉप थियल है ये मत्था का भी छो जेतरो सुठो तां करण चाहो पनी मर्जी सा इनके ठाई सको तो ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जामे शीरी इसके ऊपर डालूँगा, रेड शरबत थोड़ा लुक देगा, हल्का सा टॉपिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है। जामे शीरी की टॉपिंग करूँगा लाइट सी रेड से ठीक है। कॉल बैठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। जी मैं कशिश बात कर रही हूँ कनकोट से। जी जी, कुछ कहना चाहेंगी? सॉरी मैम, वो भी सिंधी आया था, मतलब सिंधी गलाए थे। बिल्कुल गलायो जी। अदा मुखे चटणी उठाण से खारियो पोड़ तरी कर लियो। ठीक है, कल मु चटणी ठाई भी ता डीठी भी पकोड़न सा गड। आदा हुआ डीठी पर उना लाइट वही अली थोड़ी। ठीक है, चटणियों विच में ठाईंदा रहंदा सी। आई अगर तांके चटणी जी नीड आ है पेरी खा त मुझो पेज आहे फेसबुक ते कुकिंग विद शेफ एसएल, होते काफी सारी चटणी 10-12 किस्म जी चटणी जी वैरायटी आ। या मुखे ते मैसेज के छजो, मां तांके उता शेयर करी वठंदम चटणी जी रेसिपीज। आदा मां कल खा वडी काफी ट्राई कई, ताने काल लगे ही कोना पई। ठीक आज लगी वही, असल में कॉल्स पुठियां का होंदी होइन तो बिजी विंदी है लाइन, त हन करे ट्राई कंदा रहंगे, डायल जो बटन दबाइंदा रखंदा के तक मिली विंदी। ठीक आ दी, थैंक यू दी पायो, ख्याल रख जो। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं। अब हम क्या करेंगे, करछी का जामे श्री थोड़ा सा मैंने लिया जस्ट टॉपिंग के लिए, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है ठीक है। इसको क्योंकि स्वीट है तो इस तरह आप इसके ऊपर देखें हल्की सी ड्रॉपिंग करें, हल्की सी ड्रॉपिंग का जो बचाए जो चमचा वधिक विझंदो इलाही मिठो थी वेंदो, कौन खाई सकंदो ठीक है। ये देखें इससे क्या होता है डिश में जान पड़ जाती है, इस तरह की रेसिपीज बनाने में मीठा डालने में। ये देखें लाइट सा इसमें शेड आ गया, ज़बरदस्त सी हमारी हो गई जामे शीरी से तैयार। काफ़ी सारी स्वीट डिशेस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और अब इसको रखते हैं टेबल पे, फिर हम बनाएंगे बनाना चाट, सिर्फ केलों की चाट ठीक है। हाँ इन का पसंद ठाईदा सी केलन जी चाट, बनाना चाट का भी शे समझना चाहिए तहाँ पेश थे या सुबह जो रिपीट में डिसी सको था ठीक है। ये देखिए ये हमारा हो गया फ्रूट चाट क्रीमी, और ये हमारा नॉर्मल फ्रूट चाट हो गया चटपटा। ब्रेक में कितना टाइम है? अच्छा बनाना फ्रूट चाट है, बनाना फ्रूट चाट बिल्कुल सिंपल ठाई उन 8 केला खणो, 6 केला खणो, 12 केला खेणो, ये भी मज़ेदार चाट ठहती थी ठीक है। हाँ ठीक है, केले अब इसकी कटिंग करते हैं, 4-8 किलो की कटिंग करते हैं ठीक है। 8 केले 6 किलो की बना लें, 10 किलो की बना लें, 12 जितने 2 किलो से भी बना लें अगर, बहुत मज़े की बनती है सिंपल। इसमें क्या है, लेमन जूस जाएगा, चाट मसाला जाएगा, पुदीने के पत्ते जाएंगे और थोड़ी सी चीनी जाएगी बस, और इसमें थोड़ा सा टच दूंगा इलायची वाला करछी का जामे शीरी। ब्रेक ते वनू पिया, कड़ी शॉर्ट ब्रेक वटूं था, काडे नाल जो ब्रेक अप हो जो टी चाट ठंजा सी बनाना चाट खेलन जी, लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक के बाद आके कंटिन्यू करते। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक तो उन्होंने का पहली तीन सामू जो रेसिपी ठाई एक क्रीमी फ्रूट चाट, एक असा ठाई नॉर्मल फ्रूट चाट, हाँ ठाईदी बनाना फ्रूट चाट। करछी जामे शीरी असा गड है, ज़बरदस्त
इन में रेसिपीज़ ठहंदियूं आहिनि, ज़बरदस्त हुन जी ड्रिंक्स ठहंदियूं आहिनि, कुदरती अजा सां तयारु थियल आहे। ऐं कच्छी जो जामी शेरी गुलाब जे फ्लेवर में बि दस्तियाबु आहे, इलायची जे फ्लेवर में बि दस्तियाबु आहे। पाणी आहे असां वटि, ऐं ॾिसी ईंदो आहे स्प्रिंग ले जो पाणी आहे, मिनरल वॉटर, इन सां गॾु असां ठाहींदासीं। एनेक्स असां सां गॾु आहे, ऐं फुटाइल जे किचन में मां तव्हां सां गॾु हमेशह हूंदो आहियां। अच्छा, हिते मां कटिंग कयां पियो केलनि जी, ठीकु आहे। केलनि जी नॉर्मल कटिंग कंदासीं जीअं रंग में, ठीकु आहे। बनाना चाट बना रहे हैं, 8 अदद केले ले लें, जितने ज़्यादा आपको अच्छे लगते हैं, जितने कम आप अपने हिसाब से बनाएंगी, ठीक है। मैं 8 केलों की बना रहा हूँ, फिर उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिए जो जो चीज़ें इसमें डलेंगी। ये हो गया। इसके साथ हम लेंगे मिंट, पुदीने के 6-7 पत्ते, फ्रेश मिंट, पुदीना बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ फ्लेवर में। बनाना चाट, इसको हम बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे, ठीक है। इनके बिल्कुल फाइन चॉप कंदासीं, बारीक कटिंग, के खाइण में हल्को हल्को फ्लेवर अचे, वधीक पत्ता न अचनि वात में, ठीक आहे। हाणे हिकिड़ो बॉल खणंदासीं, अब एक बॉल लेते हैं, इसमें हमने डाल देने हैं बनाना सारे, 8 अदद केले हैं, 12 भी बना सकती हैं, 4 भी बना सकती हैं, ठीक है। इसी के साथ पुदीने के पत्ते भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, पुदीने जा पत्ता इनमें ऐड करी छॾिया आहिनि, ठीक आहे। हाणे इनमें विझंदासीं 1 चांहि जो चमचो लीमे जो रस, 1 टीस्पून लेमन जूस, ठीक है, ज़्यादा नहीं डलेगा, 1 टीस्पून लेमन का जूस जाएगा, ठीक है। 1 चांहि जो चमचो लीमे जो रस, वधिक खट्टो ना है करणो इनके, ठीक है। हे थी वियो। हाणे इनमें छा विझंदासीं, थोड़ो सो चाट मसालो, 1/2 चांहि जे चमचे का थोड़ो घटि, हसबे ज़रूर, ठीक है। थोड़ा सा चाट मसाला, चाट मसाला मैंने बनाना सिखाया था, पेज पर रेसिपी अपलोड है। दही बड़ा मसाला भी बनाना, 1 चांहि का चम्मच चीनी, 1 चांहि जो चमचो खंड, 1/2 चांहि जे चमचे का घटि चाट मसालो, 8 अदद केला, 1 चांहि जो चमचो लीमे जो रस, ऐं 1 चांहि जे चमचे जेतिरा 4 पुदीने जा पत्ता बारीक कटिंग करे छॾियो, हिन जे अंदरि मिक्स करे छॾिजो। बहुत मज़े की बनाना चाट, एप्पल चाट भी इस तरह बना सकते हैं, इसको सिर्फ इसमें सेब को आप इस तरह कर लें, ठीक है। चीकू डाल सकते हैं इसके साथ, इसमें 2 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, नरम कोई भी 2 फ्रूट, ठीक है। असां तयार थी वियो बनाना चाट, इनके भी करे डिश में कढूं था जी, कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम, हे असांजी थी वई बनाना चाट, ठीक है। ये हमारी हो गई बनाना चाट तैयार, इजी रेसिपीज तीनों, वरी रिपीट कराएं तो ट्राई रेसिपीज, ठीक है। बनाना चाट भी हमारी रेडी हो गई है, इसको भी रखते हैं टेबल पे। पुदीने के पत्तों से मैंने इसको गार्निश किया है, ज़रा से पत्ते पुदीने के, धनिया के जो आपके पास हों, अवेलेबल हों, उसके साथ आप इसको गार्निश करें तो बहुत अच्छा सा लुक आता है, ठीक है। ये हो गई एक, ये हो गई, और एक हमारी हो गई बनाना चाट, ठीक है। घुमाई तो छूँ, टे चाट थी। हाँ असं ठाईंदी कड़छी जो जामी शिरी ग्रीन कलर में, ठीक है। इलायची फ्लेवर में बनाएंगे कड़छी का जामी शिरी। इसके लिए हम लेंगे स्प्रिंगले का मिनरल वाटर, थदो पानी, ही थदो करी बर्फ़ वांगर यख पानी में करी रखो। इलाही भी बर्फ़ इस्तेमाल ना कंदा, क्यों अजकल जी कोरोना वायरस जो भी हले पे तो फ्लू का पान के बचाओ, हद का ज़्यादा थदो एतरो हुए कि तुम पी सको, एतरो भी मानू छा कंदा इन हद का ज़्यादा थदो करी छंदा इन ना कंदा, क्यों जुकाम का खंग का पान के बचाओ, वायरस जी फैलियल है तो पांजी पान एहतियात करो काफ़ी सारी, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची फ्लेवर में, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ग्रीन, इसको आप दूध में भी डाल के पी सकते हैं, ठीक है। 3 खाने के चम्मच 1 गिलास में, 3 टेबल स्पून 1 गिलास में, ठीक है। 1 गिलास में 3 खाने का चमचा कड़छी जामी शीरी इलायची फ्लेवर में, थोड़ा सा और डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
इलायची की इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, हाजमे के लिए बेहतरीन होती है इलायची, तो इलायची के फ्लेवर में आप इसको पिए। सहरी में दूध में डाल के पिए, सहरी में खीर जो गिलास खड़ी उनमें ब खंड या चमचा ताईं विझी छोड़ो। इस सब गोल जी बूसी में विझी उनमें एक खाइण जो चमचो तुम पीएं सजो डी तुझी न लगंदी। दही जो इस्तेमाल कंदा कयो सहरी में, खासकर दही जो इस्तेमाल जरूर करण खपे। दही किए खाईंदा लेकिन जडे पानी पेंदा आखिर में जडे रोजो बंद करण खपे री एक का ब खाइण जो चमचा या टे खाइण जो चमचा दही खाई वठंदा को मथा गल एक ब ग्लास पानी पी वठंदा को सजो डी ताके तास कोन थिंदी थ जे गरमाइश हुंदी या एसिडिटी या कुछ भी ना थिंदी। मां भी यही कंदो आ ता भी कंदा के इतरे समा किचन में कम भी के पे कंटिन्यू एक कला गलाया भी पियो घर अचा भी पियो वना भी पियो त ये बिल्कुल मके खबर नथी पे बिल्कुल प्यास नथी लगे। ठीक आ प्यास नहीं लगती है। आप क्या करें 2 से 3 खाने के चम्मच आप लें दही। जब हम पानी लास्ट में पीते हैं अजान से पहले तो उसमें आप 2 से 3 खाने के चम्मच आप दही खा के लास्ट में आप पानी का ग्लास 1 या 2 जो भी पीना चाहें फिर आपको सारा दिन प्यास नहीं लगेगी। वो एक फीलिंग होती है प्यास की, वो नहीं होगी, बहुत अच्छा दिन गुजरेगा। और ये कर्शी का जामी शीरी ये आप दूध में डाल के पिए, लस्सी में डाल के पिए, दही में थोड़ा मिला के खाएँ तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। सब गोल की बूसी का एसिडिटी है तो डेली सहरी में एक खाने का चम्मच सब गोल की बूसी दूध में या दही में मिला के या पानी में मिला के पिया करें, बहुत फ़र्क पड़ता है। कोरोना वायरस से अपने आप को बहुत ज़्यादा बचाएँ, हाथ मुँह को ना लगाएँ, सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, सैनिटाइज़र नहीं हाथ बार बार धोया करें। और सैनिटाइज़र का एक दफ़ा फिर बता दूं कि किचन में जब आप काम करती हैं तो सैनिटाइज़र लगा के चूल्हे के करीब ना जाया करें, एकदम ब्लास्ट और बर्न हो जाते हैं, हाथ जल जाते हैं। सैनिटाइज़र इतना ज़्यादा वो होता है कि आग से दूर रखें उसको। वैसे हमें ज़रूर लगाना चाहिए लेकिन किचन में जब काम करें तो हैंड वॉश करके अच्छी तरह फिर काम करें। सैनिटाइज़र लगे हुए हाथ बिल्कुल भी प्लीज़ नहीं कीजिएगा, इस तरह के वाकयात बहुत हो चुके हैं। ठीक है, सैनिटाइज़र लगाई कदें भी किचन में कम ना कंदा कयो, चूल्हे जे वेझो या माचिस न बारंदा कयो, हथ सड़ी वेंदा आहिनि, एकदम बाहि वठंदो आहे सैनिटाइज़र ऐं उहे सामजंदी बि न आहे, फौरन हथ सड़ी वेंदा आहिनि, खल लही वेंदी आहे। बहितर आहे घर में पाणी सां हथ धोईंदा कयो, बार बार ॿाहिरि वञो था घर खां पोइ सैनिटाइज़र जो यूज़ कयो, घर में करण जी ज़रूरत न आहे। ठीकु आहे, ऐं मास्क बि घर में पाइण जी ज़रूरत न आहे, ॿाहिरि निकिरंदा आहियो पोइ प्रोटेक्ट करण लाइ पाण खे बचाइण लाइ मास्क पाईंदा कयो इनशाला। अब टाइम केतिरो आहे असां वटि जी? ठीक है, फ्रूट चाट की रेसिपी रिपीट कराई तो छा इनमें विधो है, चीकू ब विधा, एक सूफ़ विधो, ये मैं मसाले वालों फ्रूट चाट चटपट बुदा, 4 केला, एक सूफ़ हाँ ठीक है 4 केला, एक सूफ़ बारीक कटिंग कर, सूफ़ के फाइबर होंद है तो खल से गु कटिंग क्या छिलंदा ना कर। ठीक है, खजूर 6 खां 8 खड़ी वो उनकी बारीक कटिंग कर, चना अच्छा बॉयल आन वो अद कप विधा। ठीक है, उन इनमें विझा पपीतो हसबे ज़रूरत थोड़ो अंब, हाँ हाँ पपीता, पपीते जो नंढो हिकिड़ो पीस खणी वो विझी छॾिजो, खरबूजो विझी छॾिजो, तरबूज ना विझो, हिंदाणो ना विझो, पाणी छॾंदो आहे। ठीक आहे, हुनजे अलावा तव्हां हिन में ॾाड़ू जे ॾाड़ू त अञा आया कोन्हनि, बाक़ी जैतून जेको हूंदो आहे अमरूद उहो विझी छॾियो, जेके फ्रूट्स तव्हांखे सुठा लॻंदा, पाइनएप्पल आहे जेका बि आहे उहो विझी सभु मिक्स कंदो, पोइ खंड विझंदो 1 खाइण जो चमचो, नारंगी जो जूस आहे या नारंगी आहे या कीनू त कोन मिलंदो, हींअर तव्हांखे मौसमी मिली वञे, हुनजो जूस 2-3 टेबल स्पून विझी छॾिजो, चाट मसालो 1/2 चांहि जो चमचो, थोरो लूणु 1 पिंच विझी चङी तरह मिक्स करे छॾिजो। फारवनि जो सीज़न आहे त फारवा 1/2 कप मोइन में विधा आहिनि, मिक्स करे हिनखे रखी छॾिजो फ्रिज में 3-4 कलाक थधो थिए पोइ खाइजो। ऐं अगरि फ्रूट चाट लाइ वधीक फ्रूट न आहे तव्हां 2 शयुनि खां बि ठही सघे थो, सिर्फ़ु केलो, खरबूज़ो, सूफ़ आहे, सूफ़ न आहे महांगो आहे त बसि को बि शइ जो 2 फ्रूट जो बि ठहे थो, 3 फ्रूट जो ज़रूरी आहे कि 6-8 फ्रूट हुजनि। क्रीमी फ्रूट चाट बि हिन तरीक़े सां ठहियो आहे। ठीकु आहे, फ्रूट चाट की रेसिपी की बता रहा हूं कि कैसे बनाया था मैंने। 2 इसमें बड़े चीकू डाले थे, 1 सेब डाला था, 3 से 4 अदद केले डाले थे, थोड़ा पपीता डाल दिया था, 1/2 खरबूजा छोटा वाला डाल दिया था, और उसके अलावा खजूर 6-8 डाल दें बारीक कटिंग करके, और इसी तरह आप पाइनएप्पल है जो भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है, मैंने छोले ज़रूर डालिएगा, छोले बॉयल 1/2 कप डाले थे, फालसों का सीज़न है, फालसे पसंद है तो वो भी 1/2 कप डाल दें। इस तरह वेरिएशन करें फ्रूट्स जो आपको पसंद है, कम फ्रूट एंड कम में भी बना सकती हैं। उसमें मैंने ऑरेंज जूस डाला था 2 टेबल स्पून, आप पाउडर वाला भी बना के डाल सकती हैं। ठीक है, 1 खाने का चम्मच चीनी डाली थी, थोड़ा 1 पिंच सॉल्ट डाला था, और 1/2 टीस्पून से कम चाट मसाला 1/4 टीस्पून डाल के मिक्स करके रख दिया। फ्रूट चाट क्रीमी कैसे बनाया था उसके लिए हमने इसी तरह पूरा फ्रूट लेना है जैसा यहाँ पे लिया था। ठीक है, उसमें हमने 3 अदद केले जूसर मशीन में डाले, उसमें 1/2 कप ठंडा दूध डाला, एक इसमें 4 खाने के चम्मच चीनी डाल के ब्लेंड कर दिया, फिर उसको निकाल के फ्रूट्स में मिला दिया, 1/2 कप फ्रेश क्रीम डाली, अगर फ्रेश क्रीम का पैकेट नहीं दूध के ऊपर जो बलाई जमती है उसको भी बीट करके डाल सकते हैं। ठीक है, सब चीज़ें मिक्स की,
फिर इसके ऊपर किशमिश डाल दी मैंने, थोड़े बादाम डाल दिए, टॉपिंग कर दी थी जामी शीर से, अगर करना चाहें तो कर लें, बहुत अच्छा आता है, ठंडा करके इसको सर्व करें, ठीक है। और बनाना चाट के लिए 6 से 8 केले लिए थे, बारीक स्लाइसेस कर दिए, इसमें थोड़े 3-4 पुदीने के पत्ते डाल दिए, चाट मसाला 1/2 टीस्पून से कम डाला, लेमन जूस 1 चाय का चम्मच और चीनी 1 खाने का चम्मच डाल के मिक्स करके बनाना चाट बना दें। इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकती हैं, ठीक है। बनाना चाट की ठाए 8 अदद केला 6 अदद केला जेके सुठा लगे कतला करे जो बटे पत पुदने पत्ता विझ जो 1/2 चाय जो चम्मच घट चाट मसालो खंड 1 चाय जो चम्मचो अयन सा गड में थोड़ो सो उनमें लीमे जो रस 1/2 चाय जो चम्मच करीब विझी मिक्स करे रखी छोड़ो। क्रीमी फ्रूट चाट ला जेके फ्रूट था उनमें विधा जेका फ्रूट तक पसंद हुजन जेके शयूँ सागियों इनमें भी विधल चणा भी बॉयल विधल, ठीक है। इनमें तो 3 केला खड़ो जूसर मशीन में विझो 1/2 कप उनमें खीर विझो 4 खंड जो चम्मचा खंड विझी ब्लेंडर में जूसर मिलाई छो वो वापस फ्रूट में विझो 1/2 कप फ्रेश क्रीम विधी मिक्स कर छो प्लेटर में कढ़ी मथा बादाम पिस्ता जो ड्राई फ्रूट आ ना है जरूरी ना है उनके बगैर भी ठही मां किशमिश भी विधाइन मथा थोड़ो सो उनके जामी शी से टॉपिंग कर छो सुे रिपीट में रहो, ठीक है। कल ये 12 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है फेसबुक पे, कोई चीज़ चाहिए चटनियों की रेसिपी कुछ भी चाहिए आपको हर चीज़ की रेसिपी वहाँ पे अपलोड है, मैसेज कर दिया करें मैं आपको वहाँ पे शेयर कर दूँगा, बता दूँगा कौन सी रेसिपी वहाँ पे कौन सी है कौन सी नहीं है, कुछ पूछना होता है तो मैं वहाँ पर आपको बता भी देता हूँ, ठीक है। और कल 12 बजे रिपीट में चलेगा। और वीडियो देखने के लिए सर्च करें हमारा वीडियो चैनल है Sindh TV HD Cooking Show यूट्यूब पे, Sindh TV HD Cooking Show यूट्यूब पे सर्च करें, सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसको शेयर करें, लाइक करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल देखिएगा छोलों की वो वाली चाट बना रहा हूँ जो हम खाते हैं जिसमें दही बड़े वगैरह हर चीज़ चटनियाँ डिफरेंट किस्म की होती है, पूरा प्लेटर बनाना सिखा रहा हूँ। उसके साथ ब्लैक छोलों की एक चाट बनाएंगे, 2 किस्म की चाट बनाएंगे, ठीक है। तो कल का प्रोग्राम देखे सुबह 12 बजे रिपीट हलो कुकिंग विद शेफ ऐसा मुझे पेज और रेसिपी अपलोड थी वीडियो दिसन ला सर्च कर Sindh TV HD Cooking Show यूट्यूब से उनके सब्सक्राइब कर सारी रेसिपीज उत्तर अपलोड थी सुबह जी चाट जी रेसिपीज जो एक कारे चढ़न की ठाईदा से एक अच्छे चढ़न की चाट ठाईदा से पंजो कोड सारो ख्याल रखो दुआओं में रखो ला। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल Sindh TV HD कुकिंग शो।